हेलो एवरीवन, आज का ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये BLIS का यूनिट नंबर 2 है जो हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स देखेंगे और दूसरी वीडियो में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। पहले हमने कंटेंट को क्लासीफाई किया है, हमें क्या पढ़ना है। In this video, we will know about evolution of computer, characteristics, classification, ये चीज़ें हम देखेंगे। And in other, we will go for computer architecture. अब सबसे पहले what is computer? जब हम उसकी classification की बात कर रहे हैं, उसके evolution की बात कर रहे हैं, तो firstly we have to describe the term कि computer होता क्या है, which is an electronic device जो कि अलग अलग forms में data को receive करता है, उसमें प्रोसेस लगाता है। प्रोसेस मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में उसमें स्टोर्ड है पहले से, वो यूज़ करता है और उसके बाद में आपको एक सेट फॉर्मेट में वो आउटपुट प्रोवाइड कराता है। और ये जो इमेज है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कंप्यूटर विद ऑल इट्स अदर कॉम्पोनेंट्स। CPU है, स्पीकर है और ये प्रिंटर है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इसी के कंपोनेंट्स हैं जो इसके साथ काम करते हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो पहले हम इस वर्ड को जानते हैं कि वेयर डज दिस वर्ड केम फ्रॉम। कंप्यूटर जो है वो एक वर्ड से बना है, विच इज़ कंप्यूट। कंप्यूट एक प्रोसेस को डिफाइन करता है जहाँ पर हम कुछ इनपुट देते हैं, उसमें कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ प्रोसेस लगता है और फिर हमें आउटपुट मिलता है। मैंने दो वैल्यूज़ दी, 10 and 10, विच इज़ इनपुट। मैंने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि प्रोसेस कौन सी लगानी है, एडिशन वाली, और फिर उसने मुझे आउटपुट जनरेट करके दिया विच वॉज द सम ऑफ टू डिजिट्स विच वॉज 20। तो द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इन्वेंटिंग द कंप्यूटर वॉज टू क्रिएट अ फास्ट कैलकुलेशन मशीन। यानी हम एक ऐसी मशीन बना रहे थे जो कि कैलकुलेशन कर सके, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हमें कैलकुलेट करके दे सके ताकि ह्यूमन एरर ना हो उसमें। अब हम अगर बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डेफिनेटली हमसे गलती होगी, लेकिन कंप्यूटर को हम यूज़ ही इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एक्यूरेट होता है, वो थकता नहीं है और उसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो हमेशा रिलायबल होती हैं। अब कंप्यूटर मे बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच ऑपरेट्स अपॉन डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्म्स में होता है। किसी के बारे में कोई जानकारी है, किसी के मार्क्स हैं, किसी की पेमेंट स्लिप है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में उसका नेम, एज, जेंडर, ये जो क्राइटेरियाज हैं ये सब के सब क्या हैं, डेटा ही होते हैं। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज, मेमोरी, इट हैज़ नो IQ एंड नो फीलिंग्स, वर्सेटाइल होता है, ये सब इसके फीचर्स हैं। फीचर्स में स्पीड, हम कंप्यूटर का यूज़ ही इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने काम को फास्ट करना है। एक्यूरेसी, उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो सही काम करेगा। इसमें एरर तभी होता है जब या तो प्रोग्रामिंग के कोड में कुछ गलती हुई हो या हमने उसको जो इनपुट दिया है वो गलत दिया हो। डिलीजेंस का मतलब है कि ये एक ही काम को रिपीटेडली जितनी बार भी आप उसे करवाएंगे हर बार उसी एफिशिएंसी के साथ करेगा। ह्यूमंस में वो टेंडेंसी नहीं होती है, एक ही बार को चार बार करने के बाद थक जाएंगे, बट मशीन नहीं थकता है। वर्सेटाइल मतलब एक समय पे बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर सकता है, स्विच कर सकता है उसके बीच में। कहाँ कहाँ पे इसके यूजेस होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज़ में, इन्वायरमेंटल रिसर्च, यूजेस। हमारे फ़ोन में एक वेदर फोरकास्ट का नोटिफिकेशन आता है डेली, वो टेक्नोलॉजी की वजह से है। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस, वन प्लैनेट टू अनदर, स्पेस टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, सारे के सारे कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं, व्हाट्सएप है और फेसबुक है, ये सब कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। एजुकेशन फील्ड, आप एक जगह बैठ के कहीं दूसरी कंट्री के लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या किसी के वीडियोस देख सकते हैं। आपने कोई क्लास ज्वाइन किया जहाँ फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। आप ऑनलाइन बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह एक्सेस कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। लाइब्रेरीज़ में ऑटोमेशन के लिए, कंप्यूटराइजेशन के लिए, ऑनलाइन ले जाने के लिए लाइब्रेरीज़ को बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, वो सब ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। एवोल्यूशन, दिस चार्ट रिप्रेजेंट्स द एवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर। इसमें 5 स्टेजेस दिखाई गई हैं एंड वी आर ऑन द 5th, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो ये 2010 के बाद से कंटिन्यूएशन में है। पहली जनरेशन क्या थी,
वहाँ पे वो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ करता था जो कि बहुत बल्की होते थे, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते थे। सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स आए, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी स्टेप बाय स्टेप हमने हार्डवेयर को भी इम्प्रूव किया है, सॉफ्टवेयर पर भी काम किया है हमने अलग। ये इसमें जो कंप्यूटर टाइप मेंशन है इसमें लिखा है कौन सी जनरेशन में कौन सी तरह का कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था। तो जब वो कंप्यूटर बना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बनी हुई, बिकॉज ओन हार्डवेयर इज़ नॉट इनफ टू ऑपरेट ऑन इट्स ओन, उसके लिए सॉफ्टवेयर बेस भी तो चाहिए। अब जनरेशन वर्ड जो है वो क्यों यूज़ होता है, ताकि एक तरह के हार्डवेयर को दूसरे तरह के हार्डवेयर से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो बताने के लिए, किस तरह के सॉफ्टवेयर्स डेवलप हुई हैं, क्या चेंजेस हैं उनको बताने के लिए। जनरेशन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या फैक्ट हैं, कौन से कंप्यूटर कौन से जनरेशन में आए। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है जहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज डेवलप हुई थी। सेकेंड जनरेशन जहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस आई थी। थर्ड जनरेशन, उसके बाद ये है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हमने नेटवर्किंग की बात करी थी, नेटवर्किंग शुरू करी थी, लैन वैन मैन ये जो कॉन्सेप्ट है ये फोर्थ जनरेशन में आया था, और अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी डेवलप्ड हुए थे। फिफ्थ जनरेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें हम अभी जी रहे हैं। हम अगर बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिस्ट्री क्या है, अब हमने जनरेशन्स तो पांच पढ़ ली, लेकिन वो जो जनरेशन्स जहाँ से शुरू हुई हैं उसके पहले भी बहुत सारे लोग रहे होंगे जिन्होंने अपना योगदान दिया, काम किया। अगर हम उनको मेंशन ना करें तो ये तो गलत होगा, क्योंकि शुरुआत तो एबकस से हुई थी जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस था, कैलकुलेशन के लिए उसमें कुछ बिट्स बनाई गई थी। फिर उसके बाद कोई और आए, उन्होंने जॉन नेपियर ने नेपियर्स बोन करके बनाया, एबकस से बेटर था। फिर पास्कल लाइन, उसके बाद जैकार्ड लूम, फिर चार्ल्स बैबेज आए, और हम चार्ल्स बैबेज से पहले वालों के नाम भी नहीं जानते। तो यहाँ ये धीरे धीरे सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था, ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे थे जिसके बारे में आप इसको पॉज करके पढ़ेंगे। 1882 में इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, डिफरेंस इंजन, ठीक है। और वो कैसे कर पाए थे, बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स जो जोसेफ जैकार्ड ने दिए थे, जैकार्ड लूम बनाया था जब उन्होंने, तो अगर वो नहीं बनाते तो इनको कहाँ से मिलते ये प्रिंसिपल्स बेस बनाने के लिए। वैसे ही आगे इनके काम को बेस बनाकर हरमन हॉलरेथ ने मशीन बनाई थी जिससे उन्होंने USA में जो सेंसेस हुआ था, पहले उसका रिजल्ट आने में जब ह्यूमन कैलकुलेशन बेस पे आया तो 7 साल लगे थे, फिर जब उन्होंने मशीन यूज़ करी तो 1.5 साल में रिजल्ट दिया था। फिर इन्होंने अपनी खुद की कंपनी भी बनाई जिसका नाम था IBM, जिसको हम अभी तक सुनते हैं। फिर एलन ट्यूरिंग का नाम आता है, जिन्होंने जो कीबोर्ड बनाया था वो आज के कीबोर्ड से बहुत सिमिलर था। फिर ABC कंपनी जो इन्होंने कंप्यूटर बनाया, और फिर आता है 1947 का टाइम ENIAC का। और हमने जो जनरेशन्स का चार्ट देखा था उसमें हमने ENIAC से ही देखा था, यहाँ से हमने जनरेशन शुरू किए, लेकिन इसके पहले बहुत सारा काम हो चुका था। दिस वॉज द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये इसकी इमेज है, कहाँ से हम कहाँ तक आए हैं, एबकस नेपियर बोन और ये सब चीज़ें, ये मशीन्स कैसी दिखती थी। फिर आया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे हुआ है इनका, एप्लीकेशन, पर्पस और साइज़। आपको जो पढ़ना है आपके कोर्स में वो सिर्फ साइज़ के बेसिस पे है, लेकिन ये सब डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जांपल्स हैं। और अलग अलग कंप्यूटर कुछ स्पेसिफिक पर्पस भी होते हैं, कुछ जनरल जो डिजिटल है, डिजिटल तो क्या है अब हम तो हाइब्रिड ही यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल है जो वो जनरल पर्पस भी होता है, वो स्पेशल पर्पस भी होता है, वो माइक्रो भी हो सकता है, वो सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है। तो सबसे पहले डिजिटल का क्या मतलब है, वो डिवाइसेस तो 0 और 1 को बेस मानकर काम करते हैं, यानी उनकी जो प्रोग्रामिंग है उसमें आप किसी भी लैंग्वेज में उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, अपने लिए वो मशीन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करेंगे 0 और 1 में, बाइनरी में, और फिर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। डिजिटल कंप्यूटर में सब कुछ आ गया, एनालॉग कंप्यूटर तो हम अब यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अब तो हम उससे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, हम डिजिटल के टाइम में जी रहे हैं। इसमें किस तरह का काम होता है, ये अप्रॉक्सीमेशन में रिजल्ट देता है और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया और वॉल्यूम, और कंटिन्यू सप्लाई ऑफ वोल्टेज के ऊपर काम करता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, स्पीडोमीटर जो गाड़ियों में होता है, थर्मोमीटर एंड रेडियो सिग्नल्स। अब जनरल पर्पज़ के एग्जाम्पल्स हैं लैपटॉप, मोबाइल, नोटपैड, जितने भी ये कंप्यूटर सिस्टम्स हैं ये जनरल पर्पज़ हैं, यानी कि
हम सभी इसको यूज़ कर रहे हैं और सब अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ के लिए, लेकिन जो स्पेशल पर्पस होते हैं वो सभी लोग यूज़ करेंगे लेकिन एक ही काम के लिए यूज़ करेंगे, विच इज़ ATM मशीन। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं और साइज बेसिस पे हम फर्दर क्लासिफिकेशन अब इनकी पढ़ेंगे। ये क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स। फास्टेस्ट हैं और एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोसेसर्स अच्छे लगे हुए हैं। तो जब किसी चीज़ की क्वालिटी बढ़ेगी, आपको अच्छा काम करके दे रही है, तो डेफिनेटली वो महंगा। ड्यूअल कोर ऑक्टा, इनके डिफरेंसेस आप जानते ही होंगे। तो जितना आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, कोर बढ़ता जाएगा, इसकी प्राइसेस भी बढ़ती जाएंगी। और फ्लॉप्स क्या है? इसमें हम सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर वर्क्स ऑन मेंटेनिंग द स्पीड। अब मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है कि जो ये सुपर कंप्यूटर है, ये स्पीड मेंटेन करने पे काम करता है, और जो मेन फ्रेम है ये क्या करता है, ये अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने में एफिशिएंट है। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। इट वर्क्स बाय इंटरकनेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स दैट कैन वर्क इन पैरेलल। ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्ट, क्लाइमेट रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन। इन इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। दे आर ऑल्सो यूज इन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, लैब्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसके एग्जांपल्स नीचे लिखे हुए हैं और उसमें परम की पूरी सीरीज़ आएगी, विच वॉज इंडियन सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम, इट इज़ अ मल्टी यूज़र हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। मल्टी यूज़र कहा गया है यहाँ पे, सिंगल यूज़र नहीं है। मल्टी यूज़र तो ये दोनों ही हैं। खैर, मल्टी यूज़र मतलब एक ही समय पे बहुत सारे अनगिनत लोग एक ही फाइल के लिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या, ये सर्वर की तरह काम कर रहा है। इट ऑपरेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड एंड कैन हैंडल द वर्क लोड ऑफ मेनी यूजर्स एट द सेम टाइम। अब इसमें क्या है? लिखा गया कि ये सेंट्रलाइज डेटाबेस की तरह काम करता है, यानी कि सारा का सारा डेटा इसके पास ही है। हम लोग जो एक जो रूम में बैठे हैं, अपने अपने कंप्यूटर्स लेकर काम कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कुछ नहीं है। हम वहाँ से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें कोई स्पेसिफिक फाइल चाहिए, तो वो वहाँ से हमें रिट्रीव करवाता है। अब ऐसे किसी बड़ी कंपनी में या बैंक में आप जाते हैं, अक्सर आप सुनते हैं कि सर्वर डाउन है। कंप्यूटर तो उनके सामने ही है, क्या कहते हैं? सर्वर डाउन है, यानी वो उस सर्वर को जहाँ पर उनका डेटा स्टोर्ड है मेन, वहाँ से वो ब्रांच उसको एक्सेस नहीं कर पा रही है। तो जब वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो आपको डेटा भी नहीं दे पाएंगे। फिर आया मिनी कंप्यूटर। ये डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, जनरली यूज इन मल्टी यूज़र सिस्टम। ये भी मल्टी यूज़र में ही यूज़ होते हैं, यानी एक साथ बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको। लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है? इसमें सिर्फ 200 लोग तक ही एक बार में एक्सेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कैपेसिटी ये नहीं हैंडल कर पाएगा। तो ये कहाँ यूज़ होता है? इंडस्ट्रीज़ में, रिसर्च सेंटर्स में। इसका एग्जांपल क्या है? सपोज 100 एम्प्लॉयज़ हैं और वो एक ही टाइम पे सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द सेम फाइल, तो क्या होगा? 100 से 200 तक ये इजीली हैंडल कर लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। माइक्रो कंप्यूटर, दीज आर द स्मॉल लो कॉस्ट सिंगल यूज़र कंप्यूटर, यानी एक बार में सिर्फ एक ही इंसान इसको यूज़ कर पाता है, और इसका सब कुछ इसके अपने सिस्टम में ही रहता है। इसमें क्या क्या, इसके पार्ट्स क्या हैं? CPU, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसको अपने इनके इनपुट यूनिट्स होते हैं, आउटपुट होते हैं, और अपनी मेमोरी भी होती है खुद की। जैसे कि इसमें जितने भी आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स के बारे में, वो सब इसमें आ जाएंगे। डिजिटल कंप्यूटर जो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें डेस्कटॉप आता है, लैपटॉप है, नेटबुक यानी जो ऑनलाइन इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, टैबलेट है, PDA है, ये सब, और स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स जो हैं वो PDA को बेस मानकर ही बनाए गए थे, PDA के बाद ही स्मार्टफोन आया था। तो ये सब क्या है? ये सब माइक्रो कंप्यूटर है, यानी बहुत छोटे हैं, पोर्टेबल हैं, और ये बनाए जनरल पर्पस के लिए गए हैं, यानी हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं कि हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकें, अपने साथ ले जा सकें। सो दिस वॉज द टॉपिक। पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद कंप्यूटर आर्किटेक्चर। थैंक यू।